हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट्स की जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इन्हें आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनको ज़्यादा बड़े पॉट की भी जरूरत नहीं होती। इनको आप छोटे छोटे कप्स में, मग्स में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट होते हैं और बहुत ही जल्दी ये प्लांट है जो ग्रो करते हैं। चाहे आप इन्हें लीफ से ग्रो कर लें, कटिंग से ग्रो कर लें, और इन प्लांट्स को आप जो रेत में लगाएं, रेत में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनको आप रेत में ग्रो कर सकते हैं और इन्हें कम पानी की भी आवश्यकता होती है। जब इनकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इन्हें पानी दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जो मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। शेड प्लांट, इस प्लांट को कौन नहीं जानता। बहुत ही अच्छा एक वास्तु प्लांट है, बिल्कुल कोयन की तरह इसकी जो है लीव्स होती हैं। बस इसकी आप टाइम टाइम पे पिंचिंग करते रहे और इसे अभी आप कम पानी दें क्योंकि सर्दियों में इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे आप थोड़ा ही पानी दें जब इसकी मिट्टी थोड़ा सूख जाए। तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और ये छाया में बहुत अच्छे से प्लांट चलता है। इसको आप एज अ खिड़की के पास रख सकते हैं ब्राइट लाइट में, जहाँ थोड़ी कम धूप आती है या ब्राइट जो लाइट पड़ती है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोबिया मिली। ये भी बहुत सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये आप देख सकते हैं इसके फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कांटे बहुत ज़्यादा, इसमें कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं। तो आप इसको अगर डिवाइड करें तो ध्यानपूर्वक आप इसको ग्लव्स पहन कर आप इसको डिवाइड करें। वैसे तो ये कटिंग से भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप इसको कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करके लगाना चाहते हैं तो इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दियों में इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और एक ये परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है स्टिंग ऑफ पियर्स का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मोतियों की माला की तरह का ये प्लांट होता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। ब्राइट लाइट में बहुत आसानी से प्लांट है जो चलता है। इसको अगर आप ऐसे ही जो है रेत में, मिट्टी में रख देंगे तो वहाँ पे भी इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती है। इस प्लांट को भी जो है आप तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। ब्राइट लाइट में बड़ी आसानी से प्लांट चलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एलोवेरा। एलोवेरा को कौन नहीं जानता। बहुत ही खूबसूरत और ये औषधीय गुणों वाला प्लांट होता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, घृत कुमारी, घी कुमार, अलग अलग नाम इसके जो है अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट होता है। ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इनकी जो लीव्स में पानी भरा होता है, पल्प जो है निकलता है इनके लीव से। इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इसे डिवाइड करके ग्रो कर लें या फिर एक लीव से भी ये प्लांट जो ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर वोट का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। तीन चार कलर इसके जो है लीव्स में आप देख सकते हैं, पर्पल कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर। तो ये तीन चार कलर इसमें जो है पाए जाते हैं इसकी पत्तियों में। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। आप इसको बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्लांट ये अच्छे से फैलता है, बहुत अच्छे से प्लांट जो है फैलना शुरू करता है अगर आप इसे जो है कटिंग से लगाते हैं। कटिंग से भी बहुत आसानी से प्लांट जो ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्लांचो का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो इसे आप पानी जो कम दें, अगर इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इसे जो है पानी दें। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अलग अलग कलर्स में इसके जो फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं आई है, लेकिन इसमें जो है बर्ड्स निकलना शुरू हो चुके हैं इसमें फ्लावरिंग के। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी जो है कटिंग ग्रो हो जाती है। इसकी आप इतनी इतनी कटिंग ले लें, सिर्फ इतनी इतनी कटिंग से आप इसे जो है लगा सकते हैं। इवन ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसे आप जो कटिंग से ही ग्रो करें। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है। इसको भी आप बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता इस प्लांट का। छोटे छोटे मग्स में, कप्स में इसको बड़ी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है, बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसे भी आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हवर्थिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत और एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट होता है। इसको भी आप तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ये भी प्लांट है जो डिवाइड करके भी आप लगा सकते हैं। इसमें जो नए नए पफ्स निकलते रहते हैं, तो नए नए प्लांट है जो आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है और बहुत ही आसानी से प्लांट जो चल जाता है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको भी अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो डिवाइड करके बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट से ये बना लेता है। इसको भी आप छोटे छोटे कप्स में, मग्स में, प्लास्टिक के डिब्बे में, ये मैंने ग्लास में लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है प्लांट। बहुत ही यूनिक इसका कलर होता है पर्पल कलर, तो ग्रीनरी में ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लक्ष्मी कमल का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत भी प्लांट होता है, बिल्कुल कमल की तरह ये प्लांट लगता है। इसको भी आप है जो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, डिवाइड करके इसके नए नए प्लांट बनते रहते हैं, या फिर आप इसको जो है लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको सैंडी सोइल की ज़रूरत होती है, उसमें आप ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं जिससे अच्छे से ग्रो कर सके। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बेबी सन रोज का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, गर्मियों में बहुत अच्छे से प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है। इसको भी मैंने जो हाफ जो है नारियल के डिब्बे को काट कर इसमें लगा दिया था और हाफ बॉक्स में मैंने जो जेड प्लांट लगाया हुआ है, तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो करके लगा सकते हैं। छोटे छोटे कप्स में, मग्स में ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी एक सर्कुलेंट प्लांट है तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। इसको भी आप तभी पानी दें जब इसमें जो है मिट्टी सूख जाए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पेपरोमिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल मोम की तरह ही इसकी लीव्स होती है। इसको भी आप है जो पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे भी आप तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। इसको आप ब्राइट लाइट में रखें, ब्राइट लाइट में बहुत आसानी से प्लांट चलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अगेव प्लांट। बहुत सुंदर ये प्लांट होता है, इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और थोड़ी नुकीली भी होती हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके भी जो नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं नीचे से इसके छोटे छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इसको भी आप डिवाइड करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको बाल्टी में लगाया हुआ है, तो भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है। सर्दी गर्मी में इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। आप इसको जो है अपने गेट साइड एरिया पर भी दोनों तरफ लगा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट टिप है। तो भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत सुंदर तरीके से फैल जाता है अगर आप इसको लगाते हैं, और नए नए प्लांट्स इसमें को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मदर ऑफ थाउजेंड। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी प्लांट बहुत सारे प्लांट जो बनाता रहता है, इसलिए इसका नाम मदर ऑफ थाउजेंड है। इसको आप है जो लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट है जो ये बना लेता है। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट जो लगता है, इसको भी आप है जो छोटे छोटे गमलों में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसको आप है जो रेतीली मिट्टी में लगाएं, रेतीली मिट्टी में बड़ी आसानी से प्लांट जो ग्रो हो जाएगा, और इसे ब्राइट लाइट में रखें या फिर आउटसाइड भी आप इसे रख सकते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी से ये प्लांट जो ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बास्केट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव जो निकलती हैं, बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, इसको भी मैंने छोटे से जो है गिलास में ग्रो किया हुआ है, क्योंकि जो भी कटिंग लगाती हूँ मैं पहले गिलास में लगाती हूँ, प्लास्टिक के गिलास में। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे कप्स मग्स में ये भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत अच्छे से ये भी प्लांट है जो फैलता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो करके छोटे छोटे कप्स में, मग्स में, प्लास्टिक के डिब्बे में, बोतल में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सीडियम का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, बिल्कुल छोटी छोटी इसकी जो है लीव्स होती हैं, उनमें जो है पानी भरा होता है, बिल्कुल जैसे जेड प्लांट की तरह का ये प्लांट होता है। बस इसकी लीव्स थोड़ा अलग होती हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको भी आप छोटी छोटी लीव से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप आउटसाइड भी लगा सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों तरीकों से प्लांट है जो लग जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है इंग्लिश आईवी। ये भी बहुत ही खूबसूरत बेल वाला पौधा होता है, इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, नॉन वेरीगेटेड वैरायटी होती है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है। इसको भी आप छोटे छोटे मग्स में, गमलों में ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ये प्लांट जो ग्रो हो जाता है, इसमें जो है फ्लावरिंग भी आती है। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको रेत में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये भी प्लांट है और एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है।
नेक्स्ट जो प्लांट है टर्टल वाइन, बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ये प्लांट होता है, बिल्कुल टर्टल की तरह इसकी जो है लीव्स होती हैं, छोटी छोटी लीव्स इसकी होती है। इसको भी आप है जो बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, भी सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। अगर आप इसको जो मिट्टी में ऐसे ही रख देते हैं तो वहाँ पर भी इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, गर्मियों में ये प्लांट है जो खूब फैलता है, तो इसको आप अभी जरूर ग्रो करें। कहीं पर भी आप ये प्लांट है जो मिल जाए तो वहाँ से इसकी छोटी सी कटिंग ले आए, तो छोटी सी कटिंग से भी ये प्लांट है जो ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये अजवाइन का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको इवन लीव से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, बड़ी आसानी से प्लांट है जो ग्रो हो जाता है, लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। इससे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, अगर आपके पास ये प्लांट है तो बहुत सारे प्लांट इसके बन जाएंगे। आप इसकी नेक्स्ट जो प्लांट है ये पत्थरचट का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप लीव से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है और इसका जो है पत्थरी के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी हैं, तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे 15 प्लस सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट जिनको आप जो कटिंग से या लीव से ग्रो कर सकते हैं। बात करूंगी कुछ ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स की, बड़ी आसानी से आप जो ग्रो हो जाते हैं कटिंग से, बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए चाहे आप इन्हें पानी में ग्रो कर दें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं।